गुड आफ्टरनून एवरीवन, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे, माई सेल्फ सागरिका। आपको जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में सिट्रस कल्टीवेशन का पार्ट वन कवर किया था, उसके अंदर हमने मोस्ट ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स को डिस्कस किया था। उसी प्रकार से आज हम सिट्रस कल्टीवेशन का पार्ट टू डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा रिमेनिंग जो सिट्रस की क्रॉप्स हैं, इसके अलावा जो हमारा रिमेनिंग एंड इंपॉर्टेंट पोर्शन रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, आप इसको जो है वो फॉलो कर सकती हो। इसके अलावा अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 20 जून से जो है वो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सिट्रस कल्टीवेशन का पार्ट टू, जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमारा उस दिन जो है वो रिमेनिंग रह गया था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि पढ़ते टाइम जब हम सिट्रस की स्टडी करेंगे, होल ऑफ द सिट्रस क्रॉप्स की, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमने किस किस जो क्रॉप्स को किस किस वे से पढ़ना है, कौन सा पार्ट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि IBPS AFO 2016 में आया है कि प्रामालिनी, विक्रम एंड चक्राधार जो है वो किस सिट्रस फ्रूट की वराइटीज हैं। तो ये आंसर आप तभी कर सकते हो जब आपने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था सिट्रस का वो पढ़ा है अच्छे से, और उसको जो है वो देखा है। मैंने उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली बताया था कि ये जो है वो किस सिट्रस की वैरायटीज है और इसको लर्न कैसे करना है। तो अब हमारी ऑप्शंस हैं मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज, लाइम, लेमन, ग्रेपफ्रूट, ये सारी जो है वो, ये तो हमें पता है कि सिट्रस के ही फ्रूट्स हैं। तो सबसे पहले आपको इनके जो है वो साइंटिफिक नेम माइंड में आ जाने चाहिए कि किसका जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि जीनस तो सभी का ही सेम है बट डिफरेंस जो आएगा वो स्पीशी में ही आएगा, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो जो मैंडरिन है, मैंडरिन की जो स्पीशी है वो है रेटिकुलेटा। ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि रेटिकुलेटा को कैसे लर्न करना है, कि जो मैंडरिन है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो सिट्रस रेटिकुलेटा है। तो इसको हम लूज जैकेट, लूज ऑरेंज बोलते हैं, लूज स्किन्ड ऑरेंज बोलते हैं, या फिर जैकेट ऑरेंज भी बोलते हैं। तो जैकेट जो है वो रिमूवेबल होती है, तो इसी वजह से हमने इसको जो है वो रेटिकुलेटा वर्ड को याद किया था, जो कि सिट्रस हमारे मैंडरिन का जो है वो स्पीशी है। इसके अलावा स्वीट ऑरेंज का जो स्पीशीज है वो है साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस जो है इसका साइंटिफिक नेम हो गया। एंड इसके बाद लाइम है, लाइम का आपको पता होना चाहिए कि लाइम का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है सिट्रस ऑरेंजिफोलिया। उसके अलावा सिट्रस लेमन है, लेमन का साइंटिफिक नेम है सिट्रस लाइमोन। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन की, वो है ग्रेपफ्रूट। तो ग्रेपफ्रूट का साइंटिफिक नेम क्या है, ग्रेपफ्रूट का साइंटिफिक नेम है सिट्रस पैराडाइसी। तो ये ग्रेपफ्रूट का साइंटिफिक नेम है। अब हमारा क्वेश्चन था कि प्रामालिनी, विक्रम एंड चक्राधार जो हैं वो किस सिट्रस की वैराइटीज हैं। तो शुभम ने इसका आंसर किया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, ये एसिड लाइम की या फिर ये लाइम की वैराइटीज है, और हमने लाइम को जब पढ़ा था उस टाइम पे हमने वैराइटीज को भी डिस्कस किया था कि जो ये वैराइटीज हैं ये लाइम की वैराइटीज है। तो अब आपको पता चल चुका है कि जो वैराइटीज वाला पोर्शन होता है किसी भी फ्रूट का वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जितने भी फ्रूट्स डिस्कस किए हैं सभी की वैराइटीज से जो है वो 2 और 3 क्वेश्चंस तो अप्रॉक्सीमेटली आए ही हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इसी वजह से हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला पार्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डाई बैक इन सिट्रस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अब ये डिसऑर्डर है सिट्रस का जो कि सिट्रस डाई बैक है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डाई बैक का मतलब क्या होता है। अब ये कॉन्ट्रावर्सी है कि ये डाई बैक जो है वो डिजीज है, डिसऑर्डर है, या फिर पेस्ट की वजह से होता है। तो स्पेसिफिकली इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि डाई बैक स्पेसिफिकली किस रीजन की वजह से होता है। इसी वजह से इसको जो है वो पेस्ट, डिसऑर्डर, डिजीज ना बोल के इसको सिंड्रोम बोला जाता है, जो सिट्रस का सिंड्रोम है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है कोई भी कि ये किस वजह से होता है। दूसरा, इसके जो है वो मिक्स कॉम्प्लेक्स कॉजेज हैं, कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी ये हो सकता है, इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस वर्स्ट होती हैं तो उस टाइम पे भी जो है वो सिट्रस डाईबैक का अटैक हो सकता है, हमारा जो ऑर्चर्ड है वो पूरा का पूरा खराब हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइन। तो जो हमारा डाईबैक डिजीज है ये मेन कॉज है सिट्रस डिक्लाइन का, सिट्रस ऑर्चर्ड के डिक्लाइन का। तो अब डाई बैक क्या होता है, डाई बैक का मतलब होता है कि आपको पता है कि बैक होना, बैक का मतलब होता है किसी भी चीज का बैक जाना, मतलब कि जो उसकी ग्रोथ हो रही थी, उसकी प्रोसेसिंग हो रही थी, वो अब डाउनवर्ड हो रही है, बैक हो रही है, मतलब कि डिक्रीज हो रही है। तो उसी वजह से सिट्रस डाई बैक के अंदर क्या होता है कि जो हमारा
ग्रोइंग रीजन होता है सिट्रस के प्लांट के अंदर, जैसे कि हमारा ट्विग्स हो गया, शूट्स हो गया या फिर बर्ड्स हो गया, वो डाई बैक होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो वो डाई करने स्टार्ट कर देते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डाई बैक। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं मेनली कि जो हमारा प्लांट का लीफी पोर्शन होगा, वेजिटेटिव पोर्शन होगा, वो जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। सूखना मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उस तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर फूड की या न्यूट्रिएंट्स की स्कैरसिटी हो गई है और वो अपना जो है पार्ट एप्साइज्ड हो गया है, वो जो है वो उसका ने अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसको हम बोलते हैं सिट्रस डाई बैक। तो अब ये किस वजह से होता है, अगर हम न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये जो होता है वो कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये आंसर भी जो है वो शुभम ने एंड कृष्ण ने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट किया है। इसके अलावा दीपक ने भी इसका आंसर जो है वो सही बताया है। ये जो डाई बैक है सिट्रस का, ये कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये जो डिजीज है हमने इसको सिंड्रोम बोला है बेसिकली। तो ये जो है इसका क्वेश्चन आईबीपीएस एएफओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें पता चल चुका है कि डिजीज डिसऑर्डर भी जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस क्रैकिंग इज ड्यू टू। तो सिट्रस आपको पता होगा कि हमारे जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके अंदर क्रैकिंग की मेन प्रॉब्लम होती है, तो अगर क्रैकिंग जो कॉमन है सभी में, तो इसका जो रीजन है, कॉज है, वो भी कॉमन है। तो क्रैकिंग का जो मेन कॉज होता है मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, वो आपको पता ही होगा कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसका आंसर उसी प्रकार से जो है वो बोरन डेफिशिएंसी बन जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में जो क्रैकिंग होती है वो बोरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। इसके अलावा इसका दूसरा रीजन भी होता है हमारी क्रैकिंग का। तो दूसरा रीजन इसका क्या होता है, इम्प्रॉपर मॉइस्चर इन द एटमॉस्फियर भी जो है इसका रीजन होता है जो कि क्रैकिंग को कॉज करता है। अब इम्प्रॉपर मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ कि या तो अगर मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो भी क्रैकिंग हो जाएगी। तो ज्यादा मॉइस्चर किस कंडीशन में होगा, ये तब होगा जब रेनफॉल जो है वो ज्यादा होंगी, तो उस टाइम पे हमारे फ्रूट्स के अंदर क्रैकिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होगी, मतलब कि हमारा जो ड्राई पीरियड है, टेम्परेचर हाई वाली कंडीशन ज्यादा है, बट इरीगेशन की नीड वहां पे हमारी जो इरीगेशन की एप्लीकेशन है वो कम है, तो उस वजह से भी जो है वो क्रैकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है वो बोरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अदरवाइज टू क्लाइमेटिक कंडीशंस है इसकी जो कि इंप्रॉपर मॉइस्चर की वजह से होती है, और इसके रीजन ये इनके कारण भी जो है वो हमारे फ्रूट के अंदर क्रैकिंग आ जाती है। क्रैकिंग से क्या होता है कि जो फ्रूट का पील होता है, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो क्रैक्ड हो जाती है। उससे क्या होगा, हमारे फ्रूट की क्वालिटी खराब होगी। क्वालिटी कैसे खराब होगी कि इसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट पेस्ट बेसिकली फ्रूट फ्लाई का भी अटैक हो जाएगा, और हमारे फंजाई एंड बैक्टीरिया भी इसको जो है वो हार्म करेंगे, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट डिटोरेट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है हमारा क्रैकिंग का। एक तो नुकसान हो गया कि क्रैकिंग ने ही फ्रूट को क्वालिटी को लॉस कर दिया, दूसरा क्रैकिंग होने से जो है वो बाकी के जो फैक्टर्स को कॉज करेंगे, पेस्ट डिजीज को कॉज करेंगे, जिसकी वजह से फ्रूट की पूरी डिटोरेट हो जाएगी। और अगर किसी भी हमारे, अब ये तो है नहीं कि सभी हमारे फ्रूट्स को जो हमारे प्लांट पे लगे हुए हैं सभी में क्रैकिंग सेम टाइम पे ही आएगी, तो अगर सपोज करो 1-2 फ्रूट्स में क्रैकिंग आ चुकी है पर बाकी फ्रूट हमारे सही सलामत हैं, तो हम उनके ऊपर बोरन की एप्लीकेशन करके उसको जो है वो उसकी रेमेडी कर सकती हैं। बट जो हमारे ये वाले फ्रूट्स हैं जो ऑलरेडी क्रैक्ड हो चुके हैं, तो इनके अंदर जो है वो पेस्ट डिजीज का अटैक ज़्यादा होगा। तो इनको हमने क्या करना है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको एज सून एज वहाँ से रिमूव कर दें, प्लांट के ऊपर से इनको रिमूव कर दें। अदरवाइज ये बाकी के जो हमारे फ्रूट सही हैं, जिनकी क्वालिटी अभी अच्छी है, उनको क्रैकिंग की समस्या नहीं हुई है, तो उनको भी हमारा खतरा रहेगा डिजीज़ और पेस्ट अटैक होने का। तो ये हमारा जो है क्रैकिंग के मेन डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर क्रैकिंग हो जाती है, एक तो हमारा क्रैकिंग की हमारा डिसऑर्डर है, डिजीज है, दूसरा हमारा क्या होगा कि इसकी वजह से हमारे बाकी के इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हमारे ट्री के ऊपर हो सकता है, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी प्रोडक्शन स्पाइल हो सकती है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइएस्ट टीएसएस कंटेनिंग सिट्रस फ्रूट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब उन्होंने ये पूछा है कि सिट्रस के फ्रूट में आप सभी को पता है कि टीएसएस क्या हो, आप सभी को पहले ये पता होगा कि टीएसएस क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और सिट्रस फ्रूट में इसकी रेंज क्या है। बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हाइएस्ट टीएसएस है वो सिट्रस के किस फ्रूट के अंदर है। तो अब हमें ये तभी पता होगा जब हमने इनको अच्छे से पढ़ा होगा और हमें स्पेसिफिक रेंज भी इसकी पता होगी। जो ये क्वेश्चन है ये पंजाब एचडीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट
जनरल क्वेश्चन था क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको जो है वो रॉन्ग किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन आया था उस टाइम पे, टीएसएस वाले क्वेश्चन में बच्चों ने इतना फोकस नहीं किया था। तो अब सबसे पहले टीएसएस का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स को हम जो है वो टीएसएस बोलते हैं। तो अब अगर हमें टीएसएस का मतलब पता चल चुका है तो उसके बाद बात आती है कि टीएसएस को मेजर कैसे किया जाता है। तो टीएसएस को जो है वो किसी भी फ्रूट की टीएसएस को जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, कोई बता सकता है इसका आंसर? तो आप इसका आंसर बता रहे हो मैंडरीन, जो कि टोटली रॉन्ग आंसर है। मैंडरीन इसका आंसर नहीं है। तो जिन्होंने भी इसका आंसर मैंडरीन किया है वो आंसर आपका रॉन्ग है। तो अब जो टीएसएस का मैंने आपको पूछा था कि टीएसएस को किस इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है, ये आप बताओगे। उतना टाइम तक हम डिस्कस करते हैं कि टीएसएस की जो आइडियल रेंज होती है इन द सिट्रस फ्रूट्स वो कितनी होती है, वो होती है 8 to 12%। तो अब 8 to 12 degree या फिर 8 to 12% जो है वो सिट्रस फ्रूट के अंदर टीएसएस होती है। टीएसएस का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रूट हमारा कितना स्वीट है, ये हम उसको टीएसएस से मेजर करते हैं उसका। तो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए बोला था, आपको जल्दी से इसका आंसर करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम टीएसएस को मेजर करते हैं। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो एवरेज रेंज है सिट्रस फ्रूट के अंदर टीएसएस की, वो है 8 to 12 degree bix। बट किसके अंदर कितनी है हमें ये भी पता होनी चाहिए। तो जो स्वीट ऑरेंज है इसके अंदर जो हमारी आइडियल रेंज है टीएसएस की वो है 10 to 12 degree bix। मैंडरिन के अंदर भी इसकी रेंज जो है वो 8 to 12 है। तो अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा मैंडरिन है जिस जो कि सबसे ज्यादा स्वीट होता है और उसकी उसी प्रकार से टीएसएस भी ज्यादा होगी। ये हमने स्पेसिफिकली मैंडरिन को जब डिस्कस किया था तो उसके अंदर उस वैरायटी को पढ़ा था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है वो रिफ्रैक्टोमीटर आंसर किया है, जो कि आपका राइट आंसर है। रिफ्रैक्टोमीटर ही जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ हम फ्रूट्स की टीएसएस को मेजर करते हैं। तो बेसिकली जो है वो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के साथ की जाती है टीएसएस को मेजरमेंट। तो हमारी मैंडरिन के अंदर 8 टू 12 डिग्री जो है वो ब्रिक्स रेशो टीएसएस की रेशो होती है। और जो हमारा टेम्पल मैंडरिन था, मैंडरिन की वैरायटी थी टेम्पल मैंडरिन, ये स्वीटेस्ट वैरायटी है और जूसी भी है। तो इसी वजह से टीएसएस भी जो है वो मैंडरिन की इसके अंदर ही ज्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी रेंज है वो 12 to 14 degree होती है इन केस ऑफ टेम्पल मैंडरिन। तो उसके बाद है किन्नू। किन्नू की रेंज आपको पता होगी कि किन्नू के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 11 टू 12 डिग्री तक जो है वो टीएसएस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा बात आती है बेल की। तो बेल के अंदर जो है वो कितनी होगी इस अब हम स्वीट ऑरेंज की हमने बात की है कि स्वीट ऑरेंज के अंदर जो रेंज है टीएसएस की वो 10 to 12 है। बट स्वीट ऑरेंज की एक ऐसी वैरायटी है जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि वो कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर टीएसएस मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ स्वीट ऑरेंज। तो आपको उसका आंसर करना है कि कौन सी वो स्वीट ऑरेंज की वैरायटी थी। अब जो बेल है, बेल की टीएसएस जो है वो ग्रेटर देन 30 degree bix होती है। तो अब आपको एस्टिमेट लग चुका होगा कि हमारा कौन सा सिट्रस फ्रूट है जिसकी टीएसएस की सबसे ज्यादा होती है, तो वो है बेल। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उस टाइम पे उन्होंने सिट्रस में से नहीं पूछा था, उन्होंने बाकी फ्रूट्स के ऑप्शन में से पूछा था कि कौन सा फ्रूट है जो कि हाईएस्ट टीएसएस कंटेनिंग है। तो वहां पे जो ऑप्शन थी वो मैंगो, ग्रेप्स, ये सारी ऑप्शन थी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है वो ग्रेप्स को ही ऑप्ट किया था क्योंकि ग्रेप्स का जो लग रहा था कि ग्रेप्स इसका आंसर होगा, बट ग्रेप्स भी इसका आंसर नहीं है। ग्रेप्स से ज्यादा भी जो है वो बेल के अंदर टीएसएस होती है जो कि 30 degree greater than 30 degree होती है। इसके अलावा ग्रेफ्रूट की जो टीएसएस है वो 8 to 10 degree अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो अब मैं स्वीट ऑरेंज की बात कर रही थी कि स्वीट ऑरेंज की कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसकी टीएसएस जो है वो मैक्सिमम होती है, तो वो है आपको पता है कि मोस्ट कॉमन जो है वो मौसम्मी है। तो मौसम्मी की जो टीएसएस होती है वो 30 degree तक होती है। बट बेल की जो टीएसएस है वो 30 degree से ग्रेटर होती है और जो इसकी वैरायटीज हैं बेल की उसके अंदर मोस्टली जो टीएसएस है वो 33 to 34 की रेंज में होती है। तो अब हमें पता चल चुका है कि मोस्ट हमारे जो बेल है सिट्रस के फ्रूट्स के अंदर तो इसकी टीएसएस मैक्सिमम है ही, बाकी फ्रूट्स के अगर कंपेरिजन करें तो अब भी इसकी टीएसएस जो है वो मैक्सिमम ही है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिट्रस कैंकर इज द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ विच ऑफ द सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस कैंकर, ये तो आपको पता है कि जो सिट्रस कैंकर है ये सिट्रस फ्रूट क्रॉप्स का जो है वो सीरियस डिजीज है। बट स्पेसिफिकली किस सिट्रस का ये सीरियस डिजीज है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो IBPS, AFO, NABARD एंड ICR सभी का जो ये फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब उन्होंने जो है इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करके पूछा है। तो अब आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिट्रस कैंकर है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब कि
ये फंजाई डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या फिर वायरल डिजीज है। तो इसके इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्लस आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये किसका सीरियस डिजीज है, किस सिट्रस फ्रूट का ये सीरियस डिजीज है। तो ये जो है वो एसिड लाइम का सीरियस डिजीज है, और जो हमारा सिट्रस कैंकर है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब आपको नेम बताना है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है जो कि सिट्रस कैंकर को कॉज करता है, और एसिड लाइम में ये सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एसिडिटी कंटेंट है वो हमारे जो लाइम है, लाइम में सबसे ज्यादा एसिडिक कंटेंट होता है इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा अटैक भी सिट्रस कैंकर का एसिड लाइम के अंदर ही होता है। तो ये रीजन है इसका, बाकियों में इतना ये सीरियस नहीं होता, बट एसिड लाइम के केस में ज्यादा सीरियस होता है। तो आपने बताया शुभम इसका आंसर सिट्रस ज़ाइला, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है सिट्रस कैंकर। तो जब हम डिजीज को डिस्कस करेंगे तो अब हम इसको जो है वो वाइडली डिस्कस करेंगे। तो उस दिन हमने सिट्रस के पार्ट वन में हमारी सिट्रस की मेन क्रॉप्स को स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन, लाइम, लेमन एंड पोमेलो ग्रेपफ्रूट को डिस्कस किया था। बट जो उसके बाद हमारा लास्ट फ्रूट बचता है सिट्रस के अंदर वो है बेल, इसका हमारा जो है पोर्शन कवर नहीं हुआ था उस दिन, तो अब इसको जो है हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट बात बता ही दी है कि इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम टीएसएस होती है। तो इसकी टीएसएस की जो रेंज है वो होती है ग्रेटर देन 30 डिग्री ब्रिक्स, जो है इसकी टीएसएस की रेंज होती है। इसके अलावा इसका साइंटिफिक नेम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो सिट्रस फ्रूट थे सभी का जो साइंटिफिक नेम था वो सेम था, मतलब कि उनकी जो जीनस थी वो सेम थी। क्रिश आपने इसका आंसर राइट किया है, जो सिट्रस कैंकर था वो जैंथोमोनास की वजह से ही होता है, जैंथोमोनास बैक्टीरिया की जो सिट्री स्पीशी है उसकी वजह से होता है, सब स्पीशी की वजह से। तो जब बेल का साइंटिफिक नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेल जो है वो बाकी के सिट्रस फ्रूट है उनका जीनस जो है वो सेम है, वो है सिट्रस। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सिट्रस जो है वो क्लास से हमारा फ्रूट बिलोंग करता है। दूसरा स्पीशीज आपको इसकी याद हो चुकी है कि किस फ्रूट की, सिट्रस के किस फ्रूट की स्पीशी क्या है, बट जो बेल है बेल सिट्रस के अंदर ही आता है, बट इसका जो जीनस एंड स्पीशी है वो सिट्रस के जैसा नहीं है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एगल मार्मुलास। तो आपने इसको जो है वो अच्छे से लर्न करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो बेल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है एगल मार्मुलास, जो है इसका साइंटिफिक नेम है। अब हमने टीएसएस इसके अंदर मैक्सिमम होती ही है, बट एक चीज और है जो कि बेल के अंदर मैक्सिमम होती है। मैम बेल सिट्रस ग्रुप नहीं आता है, बेल सिट्रस में ही आता है, सिट्रस का ही फ्रूट है बेल, तो ये सिट्रस में ही आता है। तो उसके अलावा बेल के अंदर सबसे ज्यादा एक तो टीएसएस होती है, दूसरा बेल के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो अब बताओ कि इसका क्या आंसर होगा, बेल में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा चीज प्रेजेंट होती है जो कि इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर देती है, तो वो कौन सी है। इसके अलावा बेल को क्या बोला जाता है, बेल को जो है वो बंगाल क्वींस भी बोला जाता है, इंडियन क्वींस बोला जाता है, इसके अलावा बेल को जो है वो गोल्डन एप्पल भी बोला जाता है। आपको पता होगा कि जो बेल के लीव्स होते हैं, बेल ट्री के जो लीव्स होते हैं वो ट्राइफोलिएट होते हैं। तो इसको जो है वो इसका रिलीजियस पर्पज भी है, इसको जो है वो सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा भी बोला जाता है, तो ये इसका रिलीजियस पर्पज है। इसके अलावा प्रहलाद ने इसका आंसर राइट किया है, विटामिन B2 जो है वो बेल में मैक्सिमम होता है, इसको जो है हम राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं, और जो हमारा बेल फ्रूट है वो राइबोफ्लोविन का जो है वो रिचेस्ट सोर्स है, तो इसी वजह से इसकी ये जो है वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है कि इसमें जो है वो विटामिन बी का कंटेंट जो है वो काफी गुड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप बता रहे हो कि इसके अंदर मार्मोलिजिन जो है वो प्रेजेंट होता है, बेल की फैमिली वो बता तो रही हूँ कि जो बेल है वो सिट्रस फैमिली से ही बिलोंग करता है, सिट्रस का ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है, तो इसकी फैमिली भी वो जो है वो सेम ही होगी, रुटेसी फैमिली ही है इसकी, और इसका क्रोमोसोम नंबर भी जो है वो वही है, सेम है जो कि हमने बाकी सिट्रस इसका डिस्कस किया है, वो है 2N=18। तो इसका बाकी सारा कुछ सेम था, बाकी बस इसका जो साइंटिफिक नेम है वही डिफरेंट था बाकी सिट्रस फ्रूट से। उसके अलावा जो बेल है इसको जो है वो हार्ड फ्रूट भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो है वो जूसी एंड सॉफ्ट होते हैं, बट जो बेल है वो हार्ड फ्रूट होता है। इसके अलावा जो बेल है इसका जो टाइम पीरियड है हार्वेस्टिंग का, फ्रॉम फ्लावरिंग टू हार्वेस्टिंग, वो भी मैक्सिमम होता है, मतलब कि जो बेल फ्रूट है वो मैक्सिमम टाइम पे ट्री पे रिटेन रहता है फ्रॉम फ्लावरिंग टू हार्वेस्टिंग। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 11 to 12 months तक ये ट्री पे रहता है, और इसके बाद जो है इसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है जो कि किसी भी फ्रूट क्रॉप के अंदर इतना नहीं होता।
तो अब हमने बेल के जो है वो नेम कौन कौन से है, बंगाल क्वींस, इंडियन क्वींस जो है इसके कॉमन नेम्स हैं, इसके अलावा इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया ही है, और ये डेसीडियस ट्री है विद ट्राईफोलिएट लीव्स। डेसीडियस ये आपको पता होगा कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द सिट्रसेस थे वो एवरग्रीन थे, बट जो बेल है वो डेसीडियस है, ये अपने लीव्स को जो है वो विंटर सीजन में शेड कर देता है, इसी वजह से हम जो है इसको डेसीडियस बोलते हैं। पॉमग्रेनेट, पपाया एंड सिट्रस का जो है क्रोमोसोम नंबर सही बताया आपने ऑलरेडी कि उसका तीनों का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है, वो है 18। तो इसके बाद है जो मार्मेलोजिन हमारा इंग्रेडिएंट होता है बेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है बेल के अंदर, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी इसी पिगमेंट को, इसी जो हमारा इंग्रेडिएंट है उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्मेलोजिन जो है वो किस फ्रूट क्रॉप के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर आपको इसका साइंटिफिक नेम पता है बेल का तो आप इजिली जो है इसको गेस कर सकते हो कि बेल के अंदर ही होगा। इसके अलावा जो हमारा अनराइप फ्रूट होता है बेल का, उसके अंदर जो है वो 31 से लेके 32 तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके अलावा 1.8 तक अप्रोक्सीमेटली 2% तक का इसमें प्रोटीन होता है, और फाइबर भी इसमें जो है वो 3% तक होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट फाइबर एंड प्रोटीन का बेल जो है वो रिच सोर्स है। इसके अलावा विटामिन B2 भी इसमें गुड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और TSS भी जो है इसकी मैक्सिमम होती है। तो ये वही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इसको 11 मंथ लगते हैं राइपन होने में, तो ये मैक्सिमम टाइम तक जो है वो ट्री फ्रूट जो है वो ट्री पे रिटेन रहता है। उसके बाद है बेल का जो कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड है वो भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सिट्रस फ्रूट से। बाकियों के अंदर हमने मेनली जो है वो टी बडिंग को पढ़ा था, इसके अलावा हमने सीड प्रोपेगेशन की थी इन केस ऑफ एसिड लाइम एंड लेमन, बट जो बेल है इसके अंदर मेनली जो है वो पैच बडिंग फॉलो की जाती है, और जो मोस्ट इससे जो है वो मेनली प्रिजर्व बनाई जाती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि बेल फ्रूट को हम कभी भी एज इट इज नहीं खाते, आपने किसी ने इसको बहुत कम लोगों ने इसको जो है वो खाया भी होगा, बट इसका मेनली जूस बनाया जाता है। दूसरा इससे जो है वो प्रिजर्व बनाए जाते हैं जो कि इसकी प्रोसेसिंग वैल्यू को, प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंस को इन्हांस कर देती हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग सिस्टम है बेल के अंदर वो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम है। हार्वेस्टिंग स्टेज जो इसकी है मैच्योर ग्रीन फ्रूट है, इसका आपको पता होगा कि जो बेल का कलर होता है, बेल फ्रूट की पल्प जो आउटर कवरिंग है उसका जो पील का कलर होता है वो ग्रीन ही होता है। तो इसका जो मैच्योर है, मेच्योरिटी स्टेज है, बस हम मेनली जो है इसको नंबर ऑफ डे से कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि अगर 11 to 12 मंथ हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बेल है वो हार्वेस्टिंग स्टेज में आ चुका है। उसके अलावा जो बेल है वो हाईली टॉलरेंट है टू सोडिसिटी एंड सैलिनिटी, मतलब कि इसको हम हाईली सॉल्ट वाली सॉइल्स में इजीली ग्रो कर सकते हैं, बेल जो है उसके रेजिस्टेंट है। इसके अलावा जो बेल का फ्रूट है वो हार्ड शेल्ड बेरी है, इसी वजह से इसको जो है वो हार्ड फ्रूट भी बोला जाता है। इसका जो एडिबल पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी सिट्रस इससे डिफरेंट है, और ये है सकुलेंट प्लाजेंटा जो है ये बेल का एडिबल पोर्शन है। उसके अलावा जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर है वो है 9 डिग्री सेल्सियस, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 85 to 90% है। स्पेसिंग जो बेल के अंदर है वो है 8 मीटर × 8 मीटर, बट बाकी जो हमारे सिट्रसीज थे उसके अंदर हमने स्पेसिंग की रेंज पढ़ी थी 5 to 6, बट जो बेल है उसके अंदर स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है। फ्रूट ड्रॉप एंड फ्रूट स्प्लिटिंग आर कॉमन इन बेल, तो बेल के अंदर फ्रूट ड्रॉप एंड फ्रूट स्प्लिटिंग जो है वो कॉमन इशूज़ हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो ये था बेल के बारे में एंड बेल की जो है वो बाकी की जो बेल के अंदर प्रैक्टिसेस की जाती है उनके बारे में। अब बात आती है बेल की इंपॉर्टेंट वैराइटीज के बारे में। तो जो बेल है इसकी इंपॉर्टेंट वैराइटीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जो गोमा यशी है और थार दिव्या है, ये बेल की जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैराइटीज हैं। इसके अलावा पंत उर्वशी, पंत सुजाता, पंत अपर्णा भी जो है इसकी इंपॉर्टेंट वैराइटीज हैं। नरेंद्रा बेल जो है वो नरेंद्रा बेल वाली सीरीज जो है वो बेल की इंपॉर्टेंट वैराइटीज हैं, जो कि नरेंद्रा देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज की फैजाबाद जो कि फैजाबाद में है वहाँ से डेवलप की गई हैं। तो इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं वो हैं गोमा यशी एंड थार दिव्या, और इनकी जो TSS है वो 40 डिग्री तक है। हमने पढ़ा था कि जो बेल है उसके अंदर TSS 30 से ज़्यादा होगी, बट जो ये वाली वराइटीज़ है इनके अंदर जो TSS है वो 35 से 39 के बीच में है इन केस ऑफ गोमा यशी, एंड जो थार दिव्या है इसकी भी जो TSS जो वो है 35 की रेंज तक की होती है। तो दोनों के अंदर मतलब वेरी गुड अमाउंट में जो है वो TSS प्रेजेंट है। इसके अलावा मिर्ज़ापुरी, कागजी गोंडवा एंड कागजी टवा जो हैं तीनों ही इसकी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कागजी नेम वाली वैराइटीज़ हैं वो किस सिट्रस के किस फ्रूट क्रॉप की हैं, ये ओपोजिट है। सिट्रस का फ्रूट तो हार्ड है बट इसकी वैराइटीज़ के नेम में जो वर्ड है वो कागजी है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो ये थी बेल की इंपॉर्टेंट वैराइटीज़।
इसके बाद है हार्वेस्टिंग इंडिसेस, हमारे जो कॉमन है सभी सिट्रसेस के अंदर की वो कौन कौन सी हैं। तो हमारा जो नॉर्मल सिट्रस का फ्रूट है, ट्री है, उसकी जो बेयरिंग एज है वो 4 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हार्वेस्टिंग स्टेज किसकी क्या है, जो मैंड्रीन है आपको पता होगा कि जो किन्नू है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मतलब जब जब उसकी मेच्योरिटी इंक्रीज होती है, मेच्योरिटी आती है उसके अंदर, तो उसका कलर जो है वो ग्रीन टू येलो, येलो टू ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हमें पता ही है कि जब फ्रूट हमारा ऑरेंज कलर का हो जाएगा तो ये हमारा किन्नू के अंदर मेच्योरिटी इंडिसीज होगा, मैंड्रीन के अंदर जो ये मेच्योरिटी इंडिसीज होगा। उसके अलावा जो स्वीट ऑरेंज है, स्वीट ऑरेंज का आपको पता है कि कलर जो है मौसमी का हो गया, स्वीट ऑरेंज का हो गया कलर मेनली आउटर पील का ग्रीन ही होता है, ग्रीनिश टू येलोश होता है। तो हमारा यही चेंज है कि ग्रीन से स्लाइटली चेंज जो है कलर हो जाएगा तो इसकी मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा जो लाइम एंड लेमन है ये मेनली जो है वो ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेमन के केस में जो कलर है वो येलो हो जाता है ज़्यादा जल्दी और लाइम के केस में थोड़ा सा डिलेड होता है। तो इसके जो है वो हार्वेस्टिंग और मेच्योरिटी इंडिसेस हैं इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। उसके बाद है इनकी जो एवरेज यील्ड है सिट्रस इसकी वो क्या है। तो जो एवरेज यील्ड है ऑर्चर्ड की, ऑर्चर्ड के अंदर हमारा जो स्वीट ऑरेंज है, स्वीट ऑरेंज की जो एवरेज यील्ड है वो 600 to 800 फ्रूट्स है पर प्लांट पर ईयर, मतलब एक प्लांट जो हमारा होगा उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 600 to 800 फ्रूट्स जो है वो उसकी यील्ड होगी फ्रॉम 8 ईयर्स ऑनवर्ड। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे सिट्रस हैं वो 4 ईयर से ही बेयरिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, बट कमर्शियल बेयरिंग जो है वो 7 to 8 ईयर्स तक डेवलप होती है। तो उसी वजह से जब इसकी जो यील्ड है, गुड वाली यील्ड है 600 to 800, वो 8 ईयर से ऑनवर्ड से ही स्टार्ट होगी। जो नागपुर मैंड्रीन है उसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी सेम एज में, मतलब कि अगर हम 8 ईयर का कंपैरिजन करें तो उस केस में जो है वो नागपुर मैंड्रीन की जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्वीट ऑरेंज। तो वो कितनी होगी, 800 to 1000 फ्रूट्स पर ट्री पर पर ईयर। तो जो लाइम एंड लेमन है इनकी जो यील्ड है 7 ईयर से इनकी जो है यील्ड वो कितनी होगी, वो होगी 1000 to 1200, मतलब कि सभी में जो है वो 200 का ही गैप है। तो आपने जो है वो एवरेज रेंज को याद रखना है तो आपका जो है वो उसका एस्टिमेट हो जाएगा। उसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि जो हमारा सिट्रस का स्टोरेज टेम्परेचर है, स्टोरेज टाइम पीरियड है, स्टोरेज ह्यूमिडिटी है वो क्या है। तो इसकी जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो है 8 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 85 to 90% है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे सिट्रसेस हैं सभी के अंदर जो है वो एवरेज स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो 8 to 10 डिग्री सेल्सियस है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मेजर प्रॉब्लम इन सिट्रस, मतलब कि हमारे सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कौन कौन सी जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको जो है हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जो ऑरेंज है इसके अंदर सबसे कॉमन जो है वो प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपको पता होगा कि वो ग्रैनुलेशन है। अब ग्रैनुलेशन क्या होती है, जब आपने मौसमी को खाया होगा, ऑरेंज को खाया होगा या फिर किन्नू को भी खाया होगा, तो आपने ये देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा फ्रूट होता है सिट्रस का, जब हम उसको पील ऑफ कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब जो उसकी जूसी एरिल्स होते हैं वो ड्राई से होते हैं और उनका कलर जो है वो वाइटिश होता है, वो स्वीट भी नहीं होते। तो ये जो है हमारे सारे कॉजेज जो हैं वो ग्रैनुलेशन के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्रूट है इसमें डिसऑर्डर है, वो कौन सा डिसऑर्डर है, वो है ग्रैनुलेशन। मतलब हमारा नॉर्मल फ्रूट तो हमारा जूसी होगा, फुली राइपन होगा, बट जो हमारा ग्रैनुलेशन फ्रूट होगा वो हमारा इस प्रकार से होगा कि उसका जो जूस है वो ड्राइड हो चुका होगा, स्वीटनेस उसके अंदर ख़त्म हो चुकी होगी और हमारा जो है ये फ्रूट की जो हमारी इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इसको जो है वो डिक्रीज कर देगा। तो इस प्रकार से ग्रैनुलेशन होती है, जब आपने इसको कॉमनली ऑब्जर्व भी किया होगा। तो इसका जो ग्रैनुलेशन को हम जस्ट नॉर्मली जो ग्रैनुलेशन है वो मेन हमारा डिसऑर्डर है इन केस ऑफ नॉर्थ इंडिया में ये मेन है। इसके अलावा जो फ्रूट सकिंग मॉथ है साउथ इंडिया में जो है वो ज़्यादा कॉमन है। तो दोनों को जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रैनुलेशन की, तो ग्रैनुलेशन का जो मेन क्या, किस प्रकार से ग्रैनुलेशन होती है, ड्राइंग ऑफ जूसी सैक्स, जो हमारे जूसी सैक्स हैं सिट्रस फ्रूट के अंदर वो ड्राई हो जाती है, उनका टेस्ट जो है वो इनसिपिड, मतलब कि उनका टेस्ट जो है वो बकबका सा हो जाता है, वो स्वीट नहीं होते, तो उसको जो है हम ग्रैनुलेशन बोलते हैं। ये जो डिसऑर्डर है ये प्री हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि फर्स्टली जो है वो कैलिफोर्निया में रिपोर्ट किया गया था। हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ग्रैनुलेशन किस प्रकार से होती है ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके कॉजेज एंड रेमेडी क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो इसके कॉजेज क्या हैं? अब आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ कब ड्राई होती है, तो वो ड्राई तभी होगी जब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है ग्रेनुलेशन का भी यहाँ पे, कि जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, प्लांट की एज हाई ज़्यादा हो जाती है, उसकी जो विगर है उसका वो डिक्रीज हो जाती है, या फिर उसकी वेजिटेटिव विगर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस हो जाता है प्लांट के अंदर। तो ये सारे जो कॉजेज हैं ये ग्रेनुलेशन को कॉज करती हैं, इसकी इनकी वजह से जो है वो ग्रेनुलेशन हो जाती है। मतलब जो हमारा मेन रीजन है वो हाई टेम्परेचर ही है, या फिर हमारा ये ऐसा होता है कि अगर हम हार्वेस्टिंग को थोड़ा सा डिले कर देते हैं तो उस टाइम पे भी जो है वो ग्रेनुलेशन डिसऑर्डर प्लांट फ्रूट के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो ये इसके रीजन हैं। तो इसकी रेमेडी क्या है ग्रेनुलेशन की? इसकी रेमेडी है स्प्रे 2,4-D 12 ppm। एक तो हमने 2,4-D 12 ppm की स्प्रे करनी है, प्लस हमने क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे भी करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिट्रस, हमारा सिट्रस फ्रूट प्लांट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट है, इसको जो है वो गुड अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है टाइम टू टाइम। तो यही वजह है कि इसके अंदर डिसऑर्डर भी जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ही आ जाती है। तो ये था ग्रेनुलेशन, ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, आपने इसका ध्यान रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेनुलेशन है इसके अंदर क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, और इसकी रेमेडी जो है वो क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, जो कि बेसिकली पंजाब में किन्नू के अंदर देखने को मिलता है, और इसका जो फ्रूट का लॉस है, फ्रूट प्रोडक्शन का लॉस है, वो भी इसी वजह से ही ज्यादा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। ये आपने सुना होगा मेनली कि जो फ्रूट ड्रॉप है ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो कि किन्नू के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो अब फ्रूट ड्रॉप किस वजह से होता है और इसके रीजंस क्या हैं, किस किस टाइम पीरियड में ये किन्नू के अंदर होता है, तो इसको जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है। तो अब हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे किन्नू के फ्रूट ड्रॉप को। तो जो किन्नू का फ्रूट ड्रॉप है इसके मेनली टू रीजंस होते हैं। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप। तो आपको ये तो पता है कि पैथोलॉजिकल का क्या मीनिंग है और जो फिजियोलॉजिकल है उसका क्या मीनिंग है। इसके अलावा जब ट्री हमारा ट्री की रिप्रोडक्टिव एज की डेवलपमेंट हो रही है, तो उस टाइम पीरियड पे भी जो है ये इसको थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इसका जो फर्स्ट ड्रॉप होता है, फर्स्ट ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब आपको पता ही है कि किस, अगर हम ड्रॉप उस चीज़ को बोलेंगे कि वो चीज़ गिर रही है, तो उसी वजह से हमारा ट्री से फ्रूट का गिरना उसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग। और इसके जो है तीन, अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, इसके जो है वो तीन टाइप के हमारे फ्रूट ड्रॉप होते हैं इन केस ऑफ सिट्रस। तो फर्स्ट ड्रॉप है, इसको हम बोल देते हैं पोस्ट ब्लूम ड्रॉप। जो हमारा फर्स्ट सिट्रस का अंदर ड्रॉप होता है उसको पोस्ट ब्लूम ड्रॉप बोला जाता है। उसके बाद है सेकंड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप को जो है वो जून ड्रॉप बोला जाता है। और जो थर्ड ड्रॉप है इसको बोला जाता है प्री हार्वेस्ट या फिर पोस्ट मैच्योर फ्रूट ड्रॉप, मतलब कि फ्रूट मैच्योर हो चुका है और उसकी हार्वेस्टिंग अभी नहीं हुई है, तो इसी वजह से ये प्री हार्वेस्ट और पोस्ट मैच्योर फ्रूट ड्रॉप है। तो अब इन तीनों का क्या रीजन होता है, किस किस वजह से और किस किस टाइम पीरियड पे ये जो हमारे ड्रॉप हैं ये हम प्लांट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल ड्रॉप है, तो फिजियोलॉजिकल का मतलब होगा कि जो इस ड्रॉप होगा फ्रूट का वो फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से होगा। वो रीजंस कौन से होंगे? या तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी क्या हो सकती है? टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो सकती है कि नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया, कम ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से जो है वो फ्रूट ड्रॉप हो गया। दूसरा क्या होगा कि वाटर की जो है वो इन अवेलेबिलिटी होगी, या फिर वाटर की जो है वो इम्बैलेंस होगा, इसकी वजह से भी जो ये है फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा विंड की वजह से, हमारा आपको पता है कि विंड तो मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि फ्रूट ड्रॉप को कॉज करता है। इन इनके अलावा न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी जो है वो फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। पॉलिनेशन अगर प्रॉपर नहीं हुई है तब भी जो है वो फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। तो ये सारे रीजन हैं जो कि फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप को कॉज करते हैं। अब जो अगर इनमें से कोई भी रीजन क्रिएट हो जाता है तो उससे क्या होगा, प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि जब प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है तो वो कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, उसके अंदर मेनली एथाइलीन एंड एफसीसिक एसिड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है प्लांट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि
फ्रूट का ड्रॉप हो जाता है, एब्सिशन लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो है फ्रूट का ड्रॉप हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसको जो है वो फिजियोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप बोलती हैं। बट जो पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप है ये मेनली पैथोजन की वजह से होता है, जो कि आपको पता है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो पैथोजेंस की वजह से अगर हमारा फ्रूट का ड्रॉप हो गया है तो उसको जो है हम फ्रूट ड्रॉप, पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप बोलते हैं। और इसका जो मेन पेस्ट है, एक तो इसका फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई की वजह से फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। दूसरा जो अल्टरनेरिया स्पीशी है ये फ्रूट ड्रॉप को कॉज करती है। अल्टरनेरिया के बिना, अल्टरनेरिया जो है वो फंगस स्पीशी है जो कि फ्रूट ड्रॉप को कॉज करती है। इसके अलावा डाइप्लॉयडा जो स्पीशी है ये भी फ्रूट ड्रॉप को कॉज करती है। तो ये जो सारी स्पीशीज हैं ये फ्रूट ड्रॉप को कॉज करती है इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप। तो अब हम बात कर रहे थे कि तीन ड्रॉप जो हैं वो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है इनको क्लासिफाई किया गया है कि किस किस टाइम पे जो ये फ्रूट का ड्रॉप हो रहा है। तो जो फर्स्ट हमारा है पोस्ट ब्लूम ड्रॉप, तो पोस्ट ब्लूम का मतलब क्या हुआ कि जो ट्री है उसकी ब्लूमिंग हो चुकी है, मतलब कि उसके ऊपर फ्लावरिंग हो चुकी है। तो फ्लावरिंग होने के बाद क्या होगा कि आपको पता है कि फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फ्रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जब फ्रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो फ्रूट हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली वो जैसे एक मटर का दाना होता है, छोटा सा पी साइज होता है, उस साइज के जो है फ्रूट होते हैं इस कंडीशन में, जबकि वो अर्ली स्टेज में, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में होती हैं। तो इस टाइम पे ही फ्रूट का ड्रॉप हो जाना, या फिर फ्रूट अभी डेवलप भी नहीं होता, फ्लावरिंग का ही ड्रॉप हो जाना, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ड्रॉप या फिर पोस्ट ब्लूम ड्रॉप। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि प्लांट के ऊपर जो है वो हैवी ब्लूमिंग हो रखी है, मतलब कि उसके ऊपर फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आपको ये भी पता होगा कि फ्लावरिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी जो फ्रूटिंग है वो उतनी ज़्यादा कभी भी नहीं होती, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सिट्रस के अंदर 10% तक ही जो है वो 1 to 10% तक फ्लावर जो है वो फ्रूट में डेवलप होते हैं, बाकी सारे जो हैं वो शेड हो जाते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं। तो अब अगर ट्री के ऊपर काफ़ी हैवी ब्लूम जो है तो इससे क्या होगा कि जो फ्रूट होंगे हमारे उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत कम होगी। तो इसी वजह से अगर ये ड्रॉप हो जाता है फ्लावर्स का तो फार्मर के लिए या फिर ग्रोअर के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, सगो उसको बेनिफिट ही होता है, क्योंकि इससे जो क्वालिटी है अपने आप मेंटेन हो जाती है, उसको जो है फर्दर एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। दूसरा इसका रीज़न क्या होगा कि फ्लावरिंग की पॉलिनेशन प्रॉपरली नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं, उनकी ड्रॉपिंग हो गई है। इसके अलावा अगर फ्लावरिंग टाइम पे विंड ज़्यादा आ जाती है तो ये भी रीज़न होता है फ्लावर ड्रॉप का और फर्स्ट ड्रॉप का। दूसरा क्या रीज़न होगा कि जो हमारा फ्लावर से फ्रूट डेवलप हो गए हैं, बट फ्रूट के डेवलपमेंट होने के बाद जब वो बहुत छोटे हैं, पी साइज के हैं, तो उस टाइम पे भी ड्रॉप हो रहा है। तो उसका भी रीज़न यही होता है कि जो फ्रूट हैं वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, मतलब फ्लावर से ज़्यादा फ्रूट डेवलप हो गए हैं, बट इतने जो प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनकी इतने की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो उस वजह से जो है उनका ड्रॉप हो जाता है। तो ये ग्रोअर के लिए ये वाला ड्रॉप जो है वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, ये उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल ही होता है, इसका नुकसान नहीं होता। तो ये ड्रॉप जो है वो, इसको हम जो है वो पोस्ट ब्लूम ड्रॉप बोलते हैं। और ये किस सीजन, किस टाइम पीरियड में होता है, किस मंथ्स में होता है, तो आपको पता होगा कि जो सिट्रस का फ्लावरिंग पीरियड है वो स्प्रिंग सीजन में होता है, स्प्रिंग सीजन में इसकी फ्लावरिंग होती है। तो स्प्रिंग सीजन का टाइम पीरियड भी आपको पता है कि क्या होता है, तो ये जो ड्रॉप है ये अप्रैल मई में होता है बेसिकली, तो इसको जो है हम फर्स्ट ड्रॉप बोलते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग, जब फ्रूटिंग की स्टार्टिंग हो रही है तो उस टाइम पे ही ड्रॉप हो गया, तो उसको हम फर्स्ट ड्रॉप बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ड्रॉप, जिसको कि जून ड्रॉप बोला जाता है, मतलब कि जो ड्रॉप जून के मंथ में होगा। तो आप ये भी जानते हो कि जून के मंथ में ड्रॉप क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर हमारी इरीगेशन की वहाँ पे कमी है या फिर प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो रही है, हमने इरीगेशन भी जो है वो अप्लाई नहीं की है, या इरीगेशन की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ पे, तो उस वजह से जो है ये वाला ड्रॉप हो जाता है। तो इसको जो है हम सेकेंड ड्रॉप बोलते हैं या फिर जून ड्रॉप बोलते हैं, जो कि बेसिकली पंजाब में एंड ऑफ मे से लेकर जून के बीच में होता है, एंड ऑफ मे टू जून, तो इसको बोला जाता है मिड ड्रॉप या फिर सेकंड ड्रॉप। तो इसके केस में क्या होगा कि जो फ्रूट्स का साइज है वो पी साइज से तो बड़ा होगा, बट फिर अभी भी जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होगा, तो इसका भी जो है वो ज्यादा नुकसान नहीं होता। उसके बाद है थर्ड ड्रॉप, जिसको हम पोस्ट मैच्योर या फिर प्री हार्वेस्ट ड्रॉप भी बोलती हैं। अब इसके जो रीजंस हैं
ये टू रीजंस हो सकती हैं बेसिकली, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो जो पैथोलॉजिकल रीजन होगा वो होगा फ्रूट फ्लाइज की वजह से, या फिर जो पैथोजेंस मैंने आपको बताए हैं उनकी वजह से। इसके अलावा इसका रीजन क्या होगा कि हमारा एक तो इरीगेशन की कमी है, दूसरा प्लांट के अंदर जो फ्रूट्स डेवलप हो रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन हो चुका है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्रूट को या फिर पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं और उनका ड्रॉप जो है वो हो रहा है। तो ये जो ड्रॉप है सबसे हार्मफुल होता है फॉर द ग्रोअर, क्योंकि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं, उनका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो नियर आ रहा होता है। तो जो फार्मर है उसकी एक्सपेक्टेशन भी जो है वो ज़्यादा होती है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी, उसे बेनिफिट अच्छा होगा। बट इन बिटवीन ही अगर ड्रॉप हो जाता है, हार्वेस्टिंग से पहले ही ड्रॉप हो जाता है, तो यह उसके लिए काफी ज्यादा जो है वो हार्मफुल होता है। यही वजह है कि इस साल जो है किन्नू की प्रोडक्शन डिक्रीज इसी वजह से हुई है कि उसका जो प्री हार्वेस्ट ड्रॉप था वो ज्यादा हो गया था। तो ये थे हमारे किन्नू के अंदर फ्रूट ड्रॉप, उनके टाइमिंग क्या क्या है और किस किस टाइम पे ये होती है और उनके रीजन जो है वो क्या क्या है। जो हमारा थर्ड ड्रॉप है ये बेसिकली कब होगा, ये जुलाई से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना भी टाइम पीरियड है उतने टाइम में जो भी ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट मेच्योर या फिर प्री हार्वेस्ट ड्रॉप। तो ये था फ्रूट ड्रॉप के बारे में। उससे पहले हमने ग्रेनुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। ये दोनों ही जो है प्रॉब्लम सिट्रस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके रीजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब बात है कि इसकी रेमेडीज क्या क्या हैं। तो इसकी रेमेडी जो है फ्रूट ड्रॉप की वो मोस्ट कॉमन रेमेडी है 2,4-D, 2,4-D, बट उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो 20 ppm है। इसके अलावा ये कौन कौन सी वैरायटीज में सबसे ज्यादा होता है, तो ये जो है वो मौसमी एंड ब्लड रेड माल्टा में सबसे ज्यादा होता है इन केस ऑफ स्वीट ऑरेंज। इसके अलावा अगर मैंडरिन्स की बात करें तो किन्नू के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी भी मेन रीजन है जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। अब दोनों जो हमारे ड्रॉप थे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कि अगर फ्रूट का ड्रॉप हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिजियोलॉजिकल ड्रॉप है या पैथोलॉजिकल ड्रॉप है। तो फिजियोलॉजिकल ड्रॉप के अंदर क्या होगा कि जो स्टाक के नियर फ्रूट का एरिया है कि जहाँ से वो अटैच हुआ है वहाँ पे इतना कोई डार्क सर्कल्स या फिर डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे, वो स्लाइटली येलोइश कलर का होगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये हमारा फिजियोलॉजिकल ड्रॉप है। बट अगर फ्रूट का पॉइंट जो कि बाग से अटैच्ड है, स्टाइल से अटैच है, वो ब्राउन कलर का उसके ऊपर रोटिंग हो गई है, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये पैथोजन की वजह से है और ये पैथोलॉजिकल ड्रॉप है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है फिजियोलॉजिकल ड्रॉप में और पैथोलॉजिकल ड्रॉप में। और ये दोनों ही ड्रॉप जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन को डिक्रीज करने में करने का काम करते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पेस्ट सिट्रस के कौन कौन से हैं। तो इसका जो सिट्रस लीफ माइनर है सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट है। आपने देखा भी होगा सिट्रस लीफ माइनर को कॉमनली, कि जो लीफ माइनर है वो किस प्रकार से होता है। ये जो है सिट्रस के प्लांट की जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर, लीफ के टिश्यू के अंदर जो है वो इस प्रकार से जिस जिस वे में मूव करता है वहां से जो है वो सैप को सक करता जाता है, सैप को वहां से खत्म करता जाता है, जिसकी वजह से प्लांट का जो लीफ है, प्लांट के जो लीव्स हैं वो विल्ट हो जाते हैं, उन वो जो है वो श्रिवल्ड और विल्ट हो जाते हैं। तो ये इसका रीजन होता है, मुरझा जाते हैं वो लीव सारे। और ये दूसरा, एक तो ये लीफ माइनर जो खुद पेस्ट है प्लांट को जो है अफेक्ट करेगा, दूसरा ये वेक्टर भी है वायरल डिजीज का। तो आप ये बताओ कि जो लीफ माइनर है वे ये किस वायरस का वेक्टर है। इसके अलावा एफिड्स भी जो हैं ये एक तो खुद से पेस्ट है, दूसरा ये जो है वो एज ए वेक्टर भी वायरस डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सिट्रस और लेमन बटरफ्लाई है ये मेनली जो है वो लेमन के अंदर और बेल के अंदर सबसे कॉजिंग डिजीज है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे फ्रूट के लॉसेज हैं सबसे ज्यादा जो है वो सिट्रस और लेमन बटरफ्लाई की वजह से होते हैं, जो कि बेल के अंदर एंड लेमन के अंदर मोस्ट प्रीवेलेंट है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता है कि जो बटरफ्लाई है उसका जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर ही होगी। तो इसके अंदर जो कैटरपिलर होता है वो लीफ को फीड कर लेता है, लीफ की मिड रिब को छोड़ के बाकी सारा का सारा लीफ जो है वो खा जाता है, और इससे जो हमारा प्लांट का विगर है और उसकी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये होता है लेमन बटरफ्लाई के कॉजेज। उसके अलावा फ्रूट फ्लाई तो हमारा सभी फ्रूट्स के लिए कॉमन डिसीज, कॉमन पेस्ट ही है, जो कि हमारी जो प्रोडक्शन है फाइनल, जो हमारी हार्वेस्ट होने वाली प्रोडक्शन है उसको जो है ये कॉज करता है। तो आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, डेक्टिस डोर्सेलिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। तो फ्रूट फ्लाई इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो सिट्रस और लेमन बटरफ्लाई था, जो कि लेमन और बेल के अंदर जो है वो स्पेसिफिक है।
बाकी लीफ माइनर और एफिड जो हैं ये एज ए वेक्टर जो है वो हार्म करते हैं सिट्रस फ्रूट क्रॉप को। तो इसके डिजीज कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उन्हीं की बात करेंगे जो कि वेक्टर थे हमारे एज ए पेस्ट जिनको हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो सिट्रस ट्राइज एज अ वायरस है, जो कि मोस्ट कॉमन वायरस है इन केस ऑफ सिट्रस, हमारे जो मोस्ट ऑफ द रूट स्टॉक्स हैं वो भी हमने वही यूज़ करते हैं जो कि ट्राइस्ट एज अ वायरस के रेजिस्टेंट हों। तो जो ट्राइस्ट एज अ वायरस है इसका जो वेक्टर है वो कौन है, वो एफिड है। एफिड की वजह से जो है वो सिट्रस ट्राइस्ट एज अ वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको इसके जो है रूट स्टॉक जो इसके रेजिस्टेंट हैं वो पता होने चाहिए, दूसरा आपको इसका वेक्टर पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग डिजीज़ है इन केस ऑफ सिट्रस। तो अब आप ये बताओ कि जो ट्राइस्ट एज अ वायरस है इसके रेजिस्टेंट जो रूट स्टॉक्स हैं सिट्रस के अंदर वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा जो लीफ माइनर है ये कौन से डिजीज को कॉज करता है, जो सिट्रस ग्रीनिंग है ये कॉज होती है सिट्रस जाइला की वजह से, या फिर ग्राफ्टिंग टाइम पे हमारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन चली जाती है दूसरे प्लांट तक तो इससे भी जो है ये ग्रीनिंग डिजीज जो है वो कॉज हो जाता है, तो इसका ये रीज़न है। इसके अलावा सिट्रस कैंकर आपको पता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया कौन सा है, वो है ज़ैंथोमोनास कंपेस्टरस सिट्री जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो सिट्रस कैंकर है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है। उसके बाद है कि एंथ्रेक्नोस जो है वो ये भी सिट्रस का डिजीज है, जो कि हमारा डिसऑर्डर था, प्रॉब्लम थी सिट्रस के अंदर, कौन सी पड़ी थी हमने पीछे फ्रूट ड्रॉप पड़ा था, पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप था, जो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंथ्रेक्नोस है ये फ्रूट ड्रॉप का भी कॉज करता है, दूसरा ये सेपरेटली खुद भी जो है वो डिजीज को ट्रांसमिट करने का काम करता है, तो उसकी वजह से ही हार्मफुल है। पाउडरी माइल्ड्यू तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारे फ्रूट क्रॉप्स में वेजिटेबल क्रॉप्स में पाउडरी माइल्ड्यू जो है वो इंपॉर्टेंट डिजीज है जो काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाउडरी माइल्ड्यू है वो प्लांट के किस पार्ट पे, किन किन पार्ट्स पे जो है वो अपना इफेक्ट करता है, और किस पार्ट से ये स्टार्टिंग करता है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। ये लीफ से जो है वो स्टार्टिंग करता है, मतलब इसकी सबसे पहले इन्फेक्शन जो है वो लीफ पे स्टार्ट होगी, उसके अलावा लीफ ब्रांचेस फ्लावर एंड फ्रूट सभी को जो ये है हार्म करता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा लीफ फॉल एंड फ्रूट रॉट जो है वो फाइटोपथोरा पेल्मीवोरा की वजह से होते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पेस्ट है डिजीज है हमारा इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसके अलावा जो फूट रॉट और गुमोसिस है सबसे इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सिट्रस, मतलब कि जो सिट्रस का ऑर्चिड का डिक्लाइन होने का रीजन होता है ये गुमोसिस ही होता है। तो गुमोसिस क्यों ज़्यादा हार्मफुल है, एक तो ये फाइटोपथोरा स्पीशी की वजह से होता है, दूसरा इसका जो कॉज इसकी जो इफेक्ट है, मतलब कि जो सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो रूट से स्टार्ट होती है, ये रूट के अंदर रूट को फीड करना स्टार्ट कर देता है, तो रूट तो हमारा अब बिलो द ग्राउंड पार्ट होता है जो कि हमें विजिबल नहीं होता, तो जब ये पेस्ट का अटैक स्टार्ट हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसके ऊपर जो है वो पेस्ट का अटैक हो चुका है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब इसका इन्फेस्टेशन इंक्रीज होगी तो प्लांट की जो स्टेम है इसके ऊपर जो है वो गमी सिक्रीशन आ जाएगी, और उसकी जो बाग पोर्शन है वो स्प्लिट होना या रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिट्रस गुमोसिस, और ये काफ़ी हार्मफुल जो है वो सिट्रस का डिजीज़ है क्योंकि इससे जो है वो पूरा का पूरा ऑर्चर्ड भी डिक्लाइन हो सकता है। तो ये थे हमारे सिट्रस के इंपॉर्टेंट डिजीजेज और उनके जो है वो कॉजेज क्या क्या थे, किस किस वजह से वो होते हैं, और बाकी हमने इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स पढ़े थे जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, ग्रैनुलेशन एंड फ्रूट ड्रॉप। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और हमें आइडिया हो गया था कि सिट्रस पढ़ते टाइम जो है हमने किन किन पॉइंट्स पे मेनली फोकस करना है। तो ये था सिट्रस कल्टीवेशन, आज हमारा सिट्रस कल्टीवेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम नई क्रॉप को डिस्कस करेंगे, तब तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देखोगे और आप जो है इनको अच्छे से याद भी करोगे, सो दैट कि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सकेगी, और दूसरा अगर आपको कोई भी पॉइंट आपका वीक है तो आप वहाँ पर उसको इम्प्रूव कर सकती हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।